नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके चैनल धर्मेंद्र मैथ सलूशन में। आज मैं आप लोग को गुणनखंड बताऊंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। एक एक सवाल एकदम ध्यान से बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, ये कुल मिला के मैं 3 सवाल बताऊँगा और चौथा सवाल आपको कमेंट में उत्तर देना है। लास्ट में वो क्वेश्चन आपको दूंगा, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। एकदम ध्यान से देखिए, इन तीनों क्वेश्चन को बताने के बाद आपको गुणनखंड 100% आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक पहले बताऊंगा। देखिए, पहला सवाल दिया है 4x² + 5x + 1, ये सवाल है, ठीक है। अब इससे मुझे सॉल्व करना है। देखिए, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, यहाँ 1 है, तो ये जो 4 है इसमें गुणा होगा 1 का, 4 × 1 = 4, तो यहाँ आएगा गुणा करने पर क्या आएगा, 4 × 1 = 4 लिखेंगे। देखिए, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। 4 में गुणनखंड बनाएंगे तो 5 आना चाहिए बीच में, तो 5 नहीं आ रहा है। 4 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 5 के बराबर हो जाएगा ना, तो इसलिए 4 + 1 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, तो लिखेंगे 4x² + 4 + 1 (x + 1) 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, x का गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब 1 तो ये से उतार लिए, अब देखो बराबर करके लिखेंगे 4x², इसका अंदर गुणा होगा तो प्लस लिखेंगे 4x + x + 1, ठीक। अब देखिए, 4x यहाँ है, 4x² इसमें है, 4x इसमें है, इसमें x + 1 है, इन दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इनमें दो का, इनमें कामन लेंगे और इनमें कामन लेंगे, इसमें मिल क्या रहा है, इसमें 4x है, इसमें 4x² है, तो हम 4x कामन ले सकते हैं, ठीक। 4x कामन लेंगे तो केवल यहाँ केवल बचा x, 4 तो बाहर हो गया, तो प्लस, ये 4x बाहर हो गया तो केवल यहाँ 1 बचा, ठीक। प्लस, अब देखो यहाँ पे x + 1 है, तो 1 का गुणांक यहाँ भी होता है, 1 का गुणांक यहाँ भी होता है, हम 1 कामन ले सकते हैं इसमें, तो यहाँ लिखेंगे x + 1, ठीक। अब देखिए, x + 1 यहाँ है और x + 1 यहाँ है, जो दोनों मिल रहा है हम उसको पहले लिखेंगे कामन वाला, तो कोष्टक में लिखेंगे x + 1, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ये बचा है और ये बचा है ना, तो इसको लिख लेंगे 4x + 1, ठीक। इस प्रकार से गुणनखंड हुआ, यही आपका आंसर है। इस प्रकार से आप लोग एकदम वीडियो को ध्यान से देख के ऐसे हल कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है 2x² + 11x + 14, तो इसका गुणनखंड बनाना है ना। देखिए, 14 का गुणा इसमें करेंगे तो 14 दूना क्या हो जाएगा, 28 ना, 28 हम ऐसे लिखेंगे ना, 14 दूना 28, 28 का ऐसे गुणनखंड बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे 11 होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम के तरीके से तोड़ेंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7, ठीक। तो 7 तो ही है, तो यहाँ लिख लेंगे 7, अगर 2 × 2 = 4, 7 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 11 के बराबर हो जाएगा ना, तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे 7 + 4, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे हम बराबर करके 2x² + ये देखिए ये क्या लिखे हैं, 7 + 4, इसी रूप में इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 + 4, कोष्टक के बाहर x लिखेंगे प्लस 14 लिखेंगे, ठीक, इस प्रकार से 14 लिखेंगे। अब देखिए, इन दोनों में पहले देखिए, इधर 2x² इधर लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, ठीक। x का गुणा इसमें करेंगे तो 7x में तो हो जाएगा 7x प्लस, प्लस का चिन्ह है 4x, x का गुणा करेंगे तो यहाँ केवल 4x हो जाएगा प्लस 14। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x है, इसमें x है, तो इसमें 2 है, इसमें 7 है, तो 2 कामन नहीं हो पाएगा, इसलिए केवल x कामन होगा, तो बराबर करके केवल x यहाँ कामन लेंगे, x कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x +
सेवन, यक्स तो बाहर, इसमें यक्स था, यक्स इसमें था, यक्स बाहर निकाल दिए। अब देखो यहाँ प्लस, इसमें दो कामन हो सकता है बस, ये यक्स तो है नहीं, केवल यहाँ हम दो कामन लेंगे, दो कामन लेंगे तो यहाँ केवल दो दूनी चार यक्स, मतलब दो यक्स बचा, प्लस यहाँ केवल सात बचा। कामन मतलब होता है भाग, ठीक है। देखिए भाग कैसे देते हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि चार यक्स में से, चार यक्स में से दो कामन ले रहे हैं, दो दूनी चार, केवल दो यक्स बचाना, यही दो यक्स यहाँ लिखे हैं, ठीक है। अब देखो ये दो यक्स और ये दो यक्स, दो यक्स इसमें है, दो यक्स इसमें है, तो दो यक्स हम कामन ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दो एक्स प्लस सेवन एक कोष्टक में, और देखिए ये बचा है तो इसको अगले कोष्टक में लिख लेंगे यक्स प्लस दो, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा, यही गुणनखंड है, यही आपका उत्तर है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वाई स्क्वायर माइनस पाँच वाई माइनस बारह, इसका भी गुणनखंड करना है। हम क्या करेंगे, बारह, ये बारह और दो का गुणा करेंगे, बारह और दो का पहले गुणा करेंगे तो हो जाएगा बारह दूना चौबीस, तो यहाँ हम लिखेंगे चौबीस। चौबीस का ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जोड़ने या घटाने पे पाँच आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड रूप बनाएंगे, तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, फिर दो से कटेगा तो यहाँ लिखेंगे दो छंग बारह, फिर दो से कटेगा, दो तिहाई छः, लास्ट में तीन से कटेगा, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। अब देखो ऐसा बनाना है कि पाँच आना चाहिए ना, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ में से तीन घटा देंगे तो पाँच के बराबर हो जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो दो दूनी चार दूनी आठ, ये आठ आ गया, आठ में से अगर तीन हम घटा देंगे तो पाँच के बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से आठ माइनस तीन यहाँ हम लिखेंगे, ठीक। अब देखिए तो बराबर करके लिखेंगे दो वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस का चिन्ह बाहर ही रहेगा, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर ये लिखेंगे आठ माइनस तीन, तो यहाँ लिखेंगे आठ माइनस तीन, कोष्टक के बाहर वाई लिखेंगे माइनस बारह, ठीक, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखो बराबर करके फिर लिखेंगे दो वाई स्क्वायर, बाहर अगर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये आठ वाई में ये आठ है, वाई का गुणा करेंगे तो माइनस आठ वाई हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पहले चिन्ह का गुणा होगा, उसके बाद तीन वाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, माइनस बारह है। अब देखिए ये माइनस आठ वाई है ना, देखो जोड़ने या घटाने पे देखो माइनस पाँच वाई आ रहा है, देखो ये माइनस आठ वाई है और ये प्लस तीन वाई है, इसको घटाओ, ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, उसके बाद आठ में से तीन घटाएंगे तो पाँच वाई, तो वैसे लिख लेंगे, अर्थात माइनस पाँच वाई आया ना, तो इसके बराबर माइनस पाँच वाई, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में अब कामन लेंगे, इन दोनों में वाई इसमें है, आठ इसमें है ना, तो दो वाई हम कामन ले सकते हैं, और इसमें तीन कामन लेंगे, ठीक। देखिए बराबर करके लिखेंगे दो वाई, जब दो वाई बाहर निकल गया, देखो दो वाई, देखिए यहाँ पे दो वाई स्क्वायर है, तो यहाँ दो वाई हम कामन ले रहे हैं, दो दो से कट जाएगा तो केवल वाई बचेगा यहाँ पे, केवल केवल यहाँ हम लिखेंगे वाई माइनस, दो वाई कामन हो गया है तो यहाँ केवल चार, केवल चार बचा, वाई से वाई कट जाएगा, प्लस प्लस तीन कामन लेंगे, इसमें तीन कामन लेंगे तो केवल वाई माइनस चार हो जाएगा, तीन चौबारह हो जाएगा। अब देखो वाई माइनस चार इसमें है, वाई माइनस चार इसमें है, तो वाई माइनस चार इनमें पहले कामन लेंगे, जो दोनों मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे, वाई माइनस चार इसको लिख लिए। अब टू वाई प्लस थ्री इसमें बचा है, तो अगले कोष्टक में लिखेंगे टू वाई प्लस थ्री, यही आंसर है, ठीक। आप लोग ऐसे ही गुणनखंड करना है। आगे देखिए, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन कहा था कि आप लोग को पूछूंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये दिया है चालीस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस छः, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का उत्तर कितना आया, ठीक है। और आपको यदि वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।